राम राम। और आज आया हूँ मैं टाटा मोटर्स के शोरूम पर और एक्सप्लोर करते हैं ऑल न्यू टाटा एस जो कि फुल इलेक्ट्रिक है और आप करते हैं एक्सप्लोर। और आज आया हूँ मैं टाटा कार्गो दिल्ली प्राइवेट लिमिटेड के शोरूम पर जो कि बुढ़पुर नियर बाय जीटी करनाल रोड। सो आप करते हैं एक्सप्लोर और आपको दिखाते ऑल न्यू टाटा एस। आप चलते हैं और आपको दिखाते न्यू लॉ। इसको एक्सप्लोर करने का मौका मिला है फाइनली। आप करते हैं इसको एक्सप्लोर जो कि फुली इलेक्ट्रिक है। और ये टाटा क्या चीज़ बनाती है गाइस, बहुत ही गजब की चीज़ बनाती है जो कि फर्स्ट इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल है जो कि टाटा मोटर्स है गाइस। इसमें प्लस पॉइंट ये है कि ये नो एंट्री से है गाइस। आप इस पर कमाई कहानी के हीरो आमतौर पर देखते हो आप कि फ्यूल के जो दाम है काफ़ी आसमान को छू रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रिक व्हीकल निकाला है जो कि दिखने में काफ़ी मस्कुलर लुक डिजाइन है और लोडिंग है गाइस, लोडिंग के मामले में काफ़ी रफ एंड टफ है। अब करते हैं इसको एक्सप्लोर, को दिखाते हैं ऑल न्यू टाटा तरफ से आने वाला मोस्ट डिमांडेड प्रोडक्ट जो कि टाटा एस है जो कि टाटा जो कि कमर्शियल में है गाइस। और ये कि जो कि नॉन एस जो कि फुली इलेक्ट्रिक है, पहले आता था CNG प्लस पेट्रोल में, अब आता है ये EV में गाइस। और CNG में भी है जो कि आप एक बार चार्ज करिए और चल पड़िए। और कुछ अच्छा प्रोडक्ट निकाला है गाइस और फ्रंट से लुक देखे तो काफ़ी मस्कुलर लुक और डिजाइन है। हे गाइस, ये है मिगनाइट ग्रे जो कि एक ही कलर आता है गाइस और दिखने में काफ़ी मस्कुलर लुक और डिजाइन है गाइस। ये देखे टाटा एस की बैजिंग, ये टाटा का लोबो, ये EV की बैजिंग है गाइस। ये हेलोजन हेडलाइट, ये साइड इंडिकेटर जो कि हेलोजन में है, ये ग्रिल जो कि वाइड ग्रिल है गाइस, ये टाटा का लोबो, ये लो ग्रिल है गाइस, फोक लाइट नहीं है गाइस में। आप चाहे तो आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं। रेन वाइपर जो कि अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, ये फ्लो, ये साइड ORVM, ये साइड इंडिकेटर, ये जो टायर है, जो टायर का साइज है वो है 155R13 का टायर है जो कि ट्यूबलेस टायर है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक है, जो व्हील है वो स्टील व्हील है गाइस। ये टर्न इंडिकेटर है जो कि हेलोजन में गाइस। जो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 160 mm। रियल टायर प्रोफाइल की बात करें वो रियल टायर प्रोफाइल है 155R13 का टायर है जो कि ट्यूबलेस टायर है। रियर में ड्रम ब्रेक है वो ये स्टील व्हील है गाइस। जो इसकी लेंथ की बात करें वो 3800 mm की लेंथ है। जो विड्थ की बात करें वो है 1500 mm की विड्थ है। जो इसकी हाइट की बात करें वो हाइट है 2635 mm की है गाइस। और जो इसकी व्हील बेस की बात करें, जो व्हील बेस है वो 2100 mm का। जो टर्न इंडिकेटर की बात करें वो है 4300 mm की। कुछ इस है इस तरह गाइस। अब रियर प्रोफाइल की बात करें, जो रियल प्रोफाइल है ये टेल लाइट है गाइस जो कि हेलोजन है, ये साइड इंडिकेटर, ये स्पेयर व्हील जो कि स्पेयर व्हील का टायर का साइज है वो है 13 का। और ये ब्रेक लाइट है गाइस, जो डाले की जो हाइट और स्पेस है गाइस वो है 7.2 इंच है गाइस, जो कि अपना एक गाइस बॉक्स या सब्जी का ग्रोसरी का सामान आप अपने ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं गाइस। इसके पर्पज से रखी है गाइस 6 फीट का स्पेस प्रॉपर मिलता है गाइस। वो ब्रेक लाइट दे रखी है जो कि प्लस पॉइंट है गाइस। अगर बाय द वे पीछे से कोई आता है तो वो ब्रेक देने पर रुक जाए, एक तरह से ये सेफ्टी फीचर है गाइस। वेट है
1840 केजी का वेट है गाइज इसका, टाटा इसका। जो इसकी पासिंग की बात करें गाइज, जो गवर्नमेंट से पासिंग होती है वो होती है 600 किलो की पासिंग होती है, जो कि गवर्नमेंट अप्रूवल देती है, जो कि फुली वाटरप्रूफ है गाइज। और जो इसकी फास्ट चार्जिंग की बात करें, जो रेगुलर चार्ज है वो है गाइज 6 से 7 घंटे में ये 20 से 100% चार्ज हो जाता है गाइज। और एक है दूसरा चार्ज है वो फास्ट चार्ज है गाइज, वो आपका 1 घंटा 5 मिनट में लगभग चार्ज कर देता है गाइज, जो कि ऑन रोड है गाइज। ईवी का चार्जिंग यहाँ से चार्ज होता है गाइज, और ये यहाँ से चार्ज होता है गाइज। दोनों दे रखा है एसी, दोनों है गाइज, और आप इसी से चार्ज कर सकते हैं, यहाँ से ही चार्ज हो पाएगा। हो गया गाइस, ये चार्जर है, इसी से ही गाड़ी चार्ज हो पाएगी, जो कि है टाटा एस, जो कि फुली इलेक्ट्रिक है। और ये चार्जर है, आप इसको चार्ज कर सकते हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रिक लोडर है गाइस, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल है, जो कि टाटा लेकर आई है। और ये फास्ट चार्जर, आप इससे अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज कर सकते हैं, कुछ यहाँ से चार्ज होता है गाइस। बॉडी टेक्चर है वो कंपनी ने इस तरह का दे रखा है गाइस, क्लोज बॉडी के साथ दे रखा है, जो कि आपका कोई भी लोडिंग के पर्पज़ का सामान है उसको आप सेफली अपने एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा सके गाइस। और जो इसका टोटल हाइट है वो है 208। प्रॉपर ये दुपट्टा कमानी के साथ आती, जैसे पहले जो टाटा एस आते थे उसकी तरज पे दिया गया है गाइस। ये दो पट्टा कमानी में आती है गाइस। और जो रियर की बात, पट्टा कमानी है जो कि सस्पेंशन में गाइस ठीक ठाक रहे गाइस, जो कि हैवी टेक्चर दे रखा है, जो कि पट्टा कमानी काफ़ी हैवी दे रखा है गाइस। और अदर आप व्हीकल में देखते हो तो उसमें सोकर दे देते, बट वो टूटने का डर रहता है, लेकिन ये टफ दे रखा है गाइस, जो कि पट्टा कमानी दे रखा है। ये 5 पट्टा कमानी दे रखे है और आगे 2 पट्टा कमानी दे रखे है गाइस, जो कि प्लस पॉइंट है। ये इस तरह का इंटीरियर है गाइस। गाइस जो गत्ता है वो हैवी गत्ता है गाइस। और ये डोर ओपनर, ये चक्का नॉर्मली चक्का है गाइस, जो कि अपने अकॉर्डिंग मिरर अप डाउन कर सकते हैं। ये हैंडल जो कि गत्ता नॉर्मल है। जो सीट है वो लेदर रैप सीट है, जो कि नॉर्मल है गाइस। और ये अपने अकॉर्डिंग आगे पीछे कर सकते हैं, कर सकते हैं, एडजस्टेबल है गाइस। और ये सीट आगे पीछे कर सकते हो। और ये लाइटिंग कंट्रोल है गाइस, एयर फ्लो, ये स्पीकर आप लगवा सकते हैं गाइस। और कुछ नॉर्मल ही है दे रखा है गाइस। सीट है काफ़ी सॉफ्ट सीट है, जो कि लॉन्ग रूट पे जाते हो तो थकान महसूस नहीं। ये हैंड रेस्ट, जो कि आप लॉन्ग नहीं, ये लग्जरी फील दे रखा है गाइस। ये ब्रेक और ये रेस क्लच का तो कोई काम ही नहीं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक है, ऑटोमेटिक है गाइस। ये स्टीयरिंग बार जो कि हार्ड प्लास्टिक का यूज किया गया है। ये हॉर्न और ये टाटा का लोगो। और ये मैं एक बार पता कर लेता हूँ। ये गाइस आप लाइटिंग के कंट्रोल है गाइस, और ये वाइपर के कंट्रोल, और ये 12 वोल्ट का चार्जर, और ये लाइटिंग के कंट्रोल है गाइस। इसमें आप आफ्टर मार्केट म्यूजिक सिस्टम लगवा सकते हो। ये ग्लो बॉक्स है गाइस, ये फुली डिजिटल मीटर कंसोल है गाइस। ये न्यूट्रल है 1590। ये रेंज, ये ट्रिपिंग है गाइस, ये स्पीडोमीटर है गाइस। और ये रेडी, ये न्यूट्रल, ये रिवर्स, ये ड्राइव मोड, ये 4 मोड दे रखा है, जो कि पियानो फिनिशिंग का दे रखा है गाइस। ये ग्लो बॉक्स है गाइस, आप ना छोटा मोटा सामान कैरी कर सकते हैं या डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। ये टिकट होल्डर, जो लाइट है वो हेलोजन है। ये ORVM है गाइस, ये आपका हैंड रेस्ट, आप लॉन्ग रूट पे जाते हो तो हैंड रेस्ट को कर सकते हैं गाइस। और जो ये जो स्टेयरिंग की बात करें, ये पावर स्टेयरिंग है गाइस, जो कि आप और टाटा इसमें देखते हो तो उसमें नॉर्मल स्टेयरिंग आता है, बट इसमें पावर स्टेयरिंग का एहसास दिया गया है गाइस, जो कि लग्जरी फील है गाइस। लॉन्ग रूट पे जाते हो तो आप स्टेयरिंग हैवी हो जाता, बट इसमें लाइट स्टेयरिंग रहता है गाइस।
कुछ इस तरह का इंटीरियर है गाइस टाटा एस का। ये छोटी सी पॉकेट दी है गाइस, इसमें आप मोबाइल कैरी कर सकते हैं या छोटा मोटा सामान कैरी कर सकते हैं। ये टूल किट है गाइस। बात करें वो स्पेस ठीक ठाक है गाइस, आप लॉन्ग जर्नी पर जाते हो तो थकान महसूस नहीं होगी। हाइट है 5 फुट 7 इंच है, जो कि स्पेस देख के तो काफ़ी ठीक ठाक स्पेस है। जो बैटरी है, जो बैटरी कैपेसिटी है वो है लिथियम आयरन बैटरी है। जो आईपी रेटिंग है गाइस वो है IP67 ऑल ड्राई पार्ट्स है गाइस। और पावर क्षमता है वो है 21.93 किलो वाट की बैटरी क्षमता है गाइस। और जो नॉर्मल वोल्टेज है वो है 93 V वोल्टेज है गाइस। और जो इसका टर्निंग मोटर है, जो AC मोटर है गाइस। और जो मैक्स पावर की बात करें वो है 27 किलो वाट 36 BHP की पावर जनरेट करता है गाइस। और जो इसकी मैक्स टॉर्क की बात करें वो 130 Nm की डिमांड को देखते हुए गाइस, जो टाटा मोटर्स जो फर्स्ट सेगमेंट लेकर आई, जो कि EV में सेगमेंट है जो कि टाटा का है, वो जो कि ऑल ऑफ इंडिया में फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल है, जो कि अपनी पीक पावर में और मोटर कैपेसिटी में ज़्यादा पावरफुल है गाइस। और जो इसके रेंज की बात करें वो रेंज है 150 रेंज है, जो कि अब तक फ्यूचर में आने वाला फर्स्ट। बढ़िया सर, आपका नाम? प्रदीप कुमार नाम है सर। ओके सर, ये आपका कौन सा प्रोडक्ट है? ये सर हमारा टाटा एस इलेक्ट्रिक व्हीकल है। ओके सर, इसके क्या खासियत है जो कि टाटा मोटर्स ने ये क्या सोचकर बनाया है? सर ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है, एक बार चार्ज होने पे 154 किलोमीटर चलेगी। ओके, जो बॉडी की जो हाइट है वो पूरी 6 फुट है और ये एल्यूमिनियम बॉडी है, डस्ट फ्री है। ओके ओके, ये प्लस पॉइंट है। हाँ जी। ओके, और दूसरी चीज इसके अंदर क्या है कि ये क्लिच फ्री गाड़ी है, क्लिच नहीं है इसके अंदर। ओके, एक्सीलेटर और ब्रेक है। ओके सर, ठीक है जी। नो एंट्री फ्री है, नो एंट्री फ्री है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो नो एंट्री नॉर्मली फ्री है। ओके, शहर में नो एंट्री फ्री गाड़ी होना बहुत बड़ी बात है। ओके सर, और 5 साल तक इसकी मेंटेनेंस का खर्चा सब कंपनी। ओके, कंपनी ही क्लेम करेगी? बिल्कुल बिल्कुल, मेंटेनेंस। ओके ठीक है जी। और इसकी जो मेन खासियत है ये पोल्यूशन फ्री है। ओके, क्योंकि ये ईवी है, आप इसको ड्राइव करोगे काफ़ी कंफर्ट पाओगे, क्योंकि इसमें ना तो आपको गियर बदलने की प्रॉब्लम है। ओके, बिल्कुल आराम से आप अपना क्लिच और ब्रेक। ओके सर, और ये GPS लगा हुआ है इसमें, इसमें चोरी होने का भी कोई खतरा नहीं है क्योंकि GPRS सिस्टम है। GPRS सिस्टम है, पूरी लोकेशन होगी और फ्यूल का कोई खर्चा नहीं है आपका, फ्यूल का कोई खर्चा नहीं है गाड़ी के अंदर। ओके, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो फ्यूल का कोई खर्चा है नहीं इसके अंदर। इसमें लिथियम आयरन बैटरी है। ओके, एडवांस टेक्नोलॉजी है इसमें सर। ओके, और ये जो एल्यूमिनियम बॉडी है ये रस्ट फ्री है, इस पे कोई धूल मिट्टी कुछ नो डाउट कोई डाउट ही नहीं है सर, बिल्कुल डस्ट फ्री है। ओके, और प्लस पॉइंट एक और दे रखा है कि फ्रंट में डिस्क ब्रेक दे दी है और रियर में ड्रम ब्रेक है, जो कि प्लस पॉइंट है। और ये 600 किलो के पास ही है। ओके, से 600 किलो वजन लेकर आप इसमें चल सकते हैं। इसमें ग्रोसरी सामान हो गया या मेडिसिन हुई या बिल्कुल, बिल्कुल। ये सामान प्रॉपरली आप मैन फोकस कोरियर पे है इसमें। ओके ओके ओके, और टोटल इसका वेट कितना है, वेट कैपेसिटी? टोटल ये 600 किलो पासिंग है गवर्नमेंट से, 600 किलो तक का इसकी जो टोटल GVW है वो 1840 किलोग्राम। ओके ओके ओके, अब ये हो गए इसके फीचर की बात। या सर, अब इसके बताइए इसकी प्राइस कितना है? देखिए सर, जो इसकी एक्स शोरूम है वो 12,16,305 रुपये है। ओके, इस गाड़ी की जो एक्स शोरूम कीमत है 12,16,305 रुपये है, 13,000 रुपये की दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी है। ओके ठीक है जी। इसके बाद ये गाड़ी 1,305 रुपये की हुई। ओके, इसके बाद इसमें 12,163 रुपये का TCS है, क्योंकि जो भी गाड़ी 10 लाख से ऊपर होती है उस पर 1% TCS होता है। TCS क्या है? TCS जो भी हम 10 लाख से ऊपर की गाड़ी होगी उस पर 1% TCS लगता है, टैक्स से रिलेटेड है। ओके, इसके बाद इसकी 29,300 रुपये 29,301 रुपये की जीरो टैप बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस है। ओके, और इसकी जो पासिंग है 13,000 रुपये में इसकी पासिंग है, RTO। तो ये गाड़ी आपको कौन रोड से? ओके,
जो कि टाटा दिखाई है, टाटा ने जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाया है इसमें पोल्यूशन फ्री है सर। ओके सर, ये हमारी कार्गो मूवी दिल्ली प्राइवेट लिमिटेड के नाम से डीलरशिप है और ये हमारा फ्लैगशिप शोरूम है। फ्लैगशिप शोरूम है 219/220 भूतपुर गाँव जी टी कन्ना रोड पर हमारा शोरूम है और ये दिल्ली का सबसे बड़ा कमर्शियल शोरूम है सर, जो कि दिल्ली 36 के अंदर पड़ता है। नियर बाय हनुमान मंदिर है भूतपुर गाँव में पुराना जी टी कन्ना रोड पे सर्विस रोड पे पड़ता है। ओके ओके ओके, अपना फ़ोन नंबर बता दीजिए सर। मेरा नंबर है 9643002822 और जो मेरा दूसरा नंबर है वो है 9958987832। ठीक है सर, दोनों नंबर मेरे अवेलेबल है, दोनों नंबर मेरे चलता। ओके, अगर हम रहे तो टोटल अमाउंट कितना देना होगा सर? इसमें आप 10,000 रुपये कम से कम बुकिंग चार्ज आप जमा करा सकते हो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए और आपका लोन अप्रूव डिलीवरी दे देते सेम डे। ओके, जैसा कि आप अभी पूछ रहे हो कि डिलीवरी जैसे आपका लोन अप्रूव होगा उसके 4-5 घंटे बाद हम आपको डिलीवरी दे देंगे। हमें DO चाहिए और अपनी मार्जिन मनी चाहिए, उसके बाद हम आपको डिलीवरी दे देंगे। ओके सर, तो मेरी सबसे आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप विकास पांचाल ब्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, यूं ही प्यार बनाते रहे, विकास पांचाल ब्लॉग को देखते रहे, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें और थैंक यू सो मच, बाय। हम आ चुके हैं टाटा मोटर्स के शोरूम पर और ये भाई है जो कि सेल्स एग्जीक्यूटिव है और कोई भी कमर्शियल वाहन के रिलेटिव कोई भी जानकारी प्राप्त करनी हो या गाड़ी बेचनी हो या खरीदनी हो तो भाई से संपर्क कर सकते हो। भाई बताइए। हेलो हेलो सर, मैं मेरा नाम है आमिर अली। ओके, मैं सेल्स एक्सक्यूटिव, ठीक है। मेरा मोबाइल नंबर है 8979471265। ओके, कोई भी कमर्शियल गाड़ी आपको खरीदने का कोई इच्छुक हो या पुरानी गाड़ी या नई गाड़ी तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हो। ओके।